आप राजेंद्र साहब डॉक्टर राजेंद्र साहब तशरीफ फरमा है, मैं पेश करता हूं देखिएगा कि तुमको भड़काने की कोशिश तो करेगी दुनिया, कामने सब्र को हाथों से न छूटने दे। तुमको भड़काने की कोशिश तो करेगी दुनिया, कामने सब्र को हाथों से न छूटने देना और दुश्मन दहशत से मकान अपना बचाना लेकिन अपने हम साए का घर भी नहीं लुटने देना। दस्ते दहशत से मकान अपना बचाना लेकिन क्या कहनी है। मेरे पास आज के दौर में इस मिजाज की शायरी है और मैं बड़ी करूंगा कि अगर शायर आवाम अगर राग न लगने पाए, क्या कहनी है। फैसला पूछो अगर राग न लगने पाए, मगर राग न लगने पाए, घर बड़ी चीज है इनका भी न जमने पाए। फैसला पूछो मगर राग न लगने पाए, क्या कहनी क्या कहनी। फैसला पूछो मगर आग न लगने पाए, घर बड़ी चीज है तिनका भी न जलने पाए, नाग नफरत का किसी को भी न दसने पाए और कोई फूलों में बारूद न रखने पाए, है जो आपका परस्ती को उठा ले मौला, मेरे भारत को तबाही से बचा ले। परस्ती को आग नफरत की किसी, फैसला पूछो मगर आग न लगने पाए, घर बड़ी चीज है किनका भी न जलने पाए, घर बड़ी चीज है किनका भी न जलने पाए, नाग नफरत तक किसी को भी न दसने पाए, अब कोई फूलों में बारूद न रखने पाए, है दुआपुर का परस्ती को उठा ले मौला, मेरे भारत को तबाही से बचा ले। क्या कहना, तमाम अखबार नवीस भी बैठे होंगे, एकता का हाथ में परचम रहे, दोस्ती का एकता का हाथ में परचम रहे, हाथ में परचम रहे, धूप नफरत की नहीं, धूप नफरत की न निकले प्यार का मौसम रहे, दोस्ती का एकता का हाथ में परचम रहे, धूप नफरत की न निकले प्यार का मौसम रहे, ऐ हुकूमत है यही मौका दिखा जादूगरी, मसले का हल भी निकले अमन भी कायम, हुकूमत है यही हुकूमत है यही मौका दिखा जादूगरी, मसले का हल भी निकले अन्न भी कायम रहे, मसले का हल भी निकले, ये कब कहा के गुंबद मिंबर दिखाई दे, ये कब कहा के गुंबद मिंबर, ये कब कहा के गुंबद मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे, ये कब कहा के गुंबद मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे, बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरान से हम जो चीज इस जगह की वही पर दिखाई दे, सर न रहे। अब अगर शेर अच्छा लगे तो चार बरस लगे बना लीजिए यहां से मुशायरे को मुशायरा कि शायरी की इबादत हो रही है, अनाथ परस्त दिलों पर कोई असर आएगी ये डर न रहे, अनाथ परस्त दिलों पर कोई असर न रहे, गुलाम जिंदगी हो जाएगी ये डर न रहे, किसी के कदमों पर झुकने से तो ये बेहतर है, हमारे किस्त पे मौला हमारा सर न रहे, किसी के कदमों पे झुकने से तो ये बेहतर है, हमारे किस्म पे मौला हमारा सर न रहे, फाकों में रह के काटती ये जिंदगी मगर पीछे नहीं हटे कभी अपने उसूल से, क्या कहना, फाकों में रह के काटती ये जिंदगी मगर पीछे नहीं हटे कभी अपने उसूल से, दौलत के सामने कभी सजदा नहीं किया, हमने सबक लिया है हयाते रसूल से, दौलत के सामने कभी सजदा नहीं किया, क्योंकि ऐसा है कि एक मसला बड़ा आपका टेढ़ा है कि जो शेर धीरे से प्रवीण जाता है उस पर आप दाद भी बहुत धीरे से देते हैं, लेकिन ये मेरा अपना मामला है, कभी शेर पर जोर लगाऊंगा कोई शेर धीरे से पढ़ूंगा, आपको पूरी तरीके से वैसे ही सुनना है, तो कोई उधर भी तलब उठे, क्या कहना है, इतनी मोहब्बतों में कसी चाहते हैं हम, हम हो इधर तो कोई उधर भी तलब उठे, काश इतना प्यार दोनों तरफ की सजा हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प, वाह वाह वाह, काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो,
क्या कहनी है। दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। तो गजल के तीन चार शेर, उसके बाद एक नज़्म पढ़ते जाने चाहूंगा। बाईस से रहमत, बाईस से बरकत और वजह खुशहाली है। बाईस से रहमत, बाईस से बरकत और वजह खुशहाली है। दिल में रखने बाकी मोहब्बत, दिल में रखने वाली। बाईस से रहमत, बाईस से बरकत और वजह खुशहाली है। दिल में रखने माती मोहब्बत, दिल में रखने वाली है। शेर पेश करता हूं डॉक्टर साहब, शेर दीजिएगा कि मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। वाह 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 बोल भाई। दिल में रखने माती मोहब्बत, दिल में रखने वाली है। मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत वाली। वाह 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 वाह। शेर आपने इतने धीरे में सुना है। आज नहीं बाबा बाबा, ऐसे सुनने वाले नहीं। फिर पढ़ दीजिए। नंबर रखते थे दुनिया भर में कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। शौक को अपनाया हमने, जो शौक बयान पर रखते थे। शौक को अपनाया हमने, शौक को अपनाया हमने, जो शौक बयान पर रखते थे। दुनिया भर में कुत्ते पाले, हमने बकरी पाली। वाह वाह। दुनिया भर में कुत्ते पाले, हमने बकरी पाली है। दुनिया भर में कुत्ते पाले, हमने बकरी पाली है। दरिया की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। वाह। दरिया की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह 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 वाह। दरिया की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। वाह वाह। दरिया की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी अपनी नहर निकाली है। वो चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद नसीब के है हम निकालने वाले। वाह 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 वाह। वो दूसरों से मसरत तलब नहीं करते, जो खुद नसीब के है हम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगने की भीख में कतरे कि हम है रेत से जमजम निकालने वाले। हमारी प्यास न मांगने की भीख में कतरे, हमारी प्यास न मांगने की भीख में कतरे कि हम है रेत से जमजम निकालने वाले। कि हम है रेत से जमजम निकालने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरा बचा लिया, मुशायरे को मुशायरा ही रहने दिया, कुछ और नहीं बनने दिया। आपकी समाप्त मतलब अपनी जिंदगी करने लगे, लोग फाका करते करते खुदकुशी करने लगे। वाह 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 वाह। भूखे प्यासे खत्म अपनी जिंदगी करने लगे, लोग फाका करते करते खुदकुशी करने लगे। रोज अखबारात में छपती है ये काली खबर, बाप माँ भी मर गए बच्चों को अपने मार कर। अंधी सरकारों को लेकिन कुछ नजर आता नहीं, नीतों के दिल को कोई गंध कर पाता नहीं। लोग उनके राज में बांधे है पत्थर फेंक कर, पांच तारा होटलों में खा रहे हैं वो दिन। वाह वाह वाह। लोग उनके राज में बांधे है पत्थर फेंक कर, पांच तारा होटलों में खा रहे हैं वो डिनर। उनसे क्या मतलब कि महंगाई कहां तक आ गई, की चीज कैसे आत्मा तक आ गई। मैं तो सच्ची बात कहने से कभी डरता नहीं, आदमी अपनी खुशी से खुदकुशी करता नहीं। भूखी दहली में लाशों का जो अपमान है, इन सभी की मौत की सरकार जिम्मेदार। भूखी दहली में लाशों का जो अपमान है, क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। समाप्त फरमाइए। भूखी दहलीज के लाशों का जो अंबार है। वाह वाह। मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि मुशारा समर गया है, मुशारा ये बना रहे भाई। अफरार साहब ने बड़ी मेहनतों से और राज साहब ने बुलाया मुझे भाई, जाय मिल रही है शाहनवाज साहब और डॉक्टर साहब की। समाप्त फरमाइएगा। भूखी दहलीज के लाशों का जो अंबार है, इन सभी की मौत की सरकार जिम्मेदार है, इन सभी की मौत की सरकार जिम्मेदार है। शेर आगे बढ़ती है, नज्म समाप्त फरमाइएगा कि ये जो हरसू आज चोरी लूट कत्ले आम है। वाह। ये जो हरसू आज चोरी लूट कत्ले आम है, इसके पीछे भी इसी महंगाई का कोहराम है। वाह वाह वाह। ये जो हरसू आज चोरी लूट कत्ले आम है, इसके पीछे भी इसी महंगाई का कोहराम है। एक तो महंगाई, उस पर आदमी बेकार है, इसलिए हर शख्स दैनिक तौर पर बीमार है। शाखा दिल पर अब कली उम्मीद की छिलती नहीं, डिग्रिया सर पर है लेकिन नौकरी मिलती है। वाह वाह वाह। शाखा दिल पर अब कली उम्मीद, क्या कहने। शाखा दिल पर अब कली उम्मीद
बिगड़ी खिलती नहीं, बिगड़ियां सर पर है लेकिन नौकरी मिलती नहीं। बेटियां घर में जमा बैठी है शादी के लिए, क्या क्या घर में जब चूहे बुझे हो तो चले पैसे दिए। किस कदर मजबूरियां है आदमी के सामने, गम की दीवारें खड़ी है हर किसी के सामने। अब कहीं से भी कोई अच्छी खबर आती नहीं, जिंदा रहने की कोई सूरत नजर आती। अब कहीं से भी कोई अच्छी खबर आती नहीं, जिंदा रहने की कोई सूरत नजर आती नहीं। बैठे बैठे फिर अचानक दिल में आया ये ख्याल, बैठे बैठे फिर अचानक दिल में आया ये ख्याल, आदमी बेहाल जो है किस तरह हो वो बहाल। तब ये सोचा मैं अपनी फाका कसों को मशवरा, कब तक बेकार बैठोगे, करो फैसला, मुल्क के 10-30 नेताओं को जाकर घेर लो, कुछ दिनों तक फिर उन्हें अपनी तरह भूखा रखो, उनको भी तरसाओ तुम एक एक दाने के लिए, उनको भी मजबूर कर दो जहर खाने के लिए, हर गरीबी और महंगाई के निकलेगा तभी। भूख से घबरा के जब नेता करेंगे सब कुछ। वाह तब ये सोचा क्या कहनी क्या कहनी, बैठे बैठे फिर अचानक दिल में आया ये ख्याल, आदमी बेहाल जो है किस तरह हो वो बहाल। तब ये सोचा मैं ये तू फाका कसों को मशवरा, कब तक बेकार बैठोगे, करो फैसला, मुल्क के 10-20 नेताओं को जाकर घेर लो, कुछ दिनों तक फिर उन्हें अपनी तरह भूखा रखो, उनको भी तरसाओ तुम एक दाने के लिए, उनको भी मजबूर कर दो जहर खाने के लिए, हर गरीबी और महंगाई का निकलेगा तभी। भूख से घबरा के जब नेता करेंगे खुदकुशी, भूख से घबरा के जब नेता करेंगे खुदकुशी, नज्म यहां पर खत्म होती, नज्म यहां पर खत्म हो गई लेकिन नहीं, नज्म आगे बढ़ती है। नज्म का टुकड़ा था खास तौर पर ये जो हिस्सा आ रहा है नज्म का, एक शख्स की शिरकत चाहता हूं समाप्त फरमाए। भूख से घबरा के जब नेता करेंगे खुदकुशी, नज्म यहां खत्म, दूसरा रुख समाप्त फरमाए कि सारी जिम्मेदारियां लेकिन हुकूमत पर नहीं, सारी जिम्मेदारियां लेकिन हुकूमत पर नहीं, हाकिमाने मुल्क और बाबे सियासत पर नहीं, कुछ हमारा फर्ज भी तो है गरीबों के लिए। क्या कहने क्या कहने, कुछ हमारा फर्ज भी तो है गरीबों के लिए। सारी जिम्मेदारियां लेकिन हुकूमत पर नहीं, सारी जिम्मेदारियां लेकिन हुकूमत पर नहीं, हाकिमाने मुल्क और बाबे सियासत पर नहीं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, कुछ हमारा फर्ज भी तो है गरीबों के लिए, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है ऐसों के लिए। अब ये कहना है जमाने के हर एक इंसान से, ताजवानों से, अवामुल नास से, धनवान से, बस जरा सी बात ये रखे हमेशा ध्यान में, जब भी दस्तरखान पर बैठे तो इतना देख ले, घर में हमसाए कभी चूल्हा जला है या नहीं, घर में घर में हम चाहिए कभी चूल्हा जला, हमारी जिम्मेदारी भी है ऐसों के लिए। अब ये कहना है जमाने के हर एक इंसान से, ताज वालों से, अवामुल नास से, धनवान से, बस जरा सी बात ये रखें हमेशा ध्यान में, जब भी दस्तरखान पर बैठे तो इतना देख ले, घर में हम साए कभी चूल्हा जला है, घर में हम साए कभी चूल्हा जला है या नहीं, आधी रोटी ही सही वो खा चुका है या नहीं, घर में हम साए कभी चूल्हा जला है या नहीं, घर में हम साए कभी चूल्हा जला है या नहीं, आधी रोटी ही सही वो खा चुका है या नहीं। हर कोई रखे अगर अपने पड़ोसी का ख्याल, तो किसी घर से नहीं उठेगा फाकों का सवाल, है यही हुक्म खुदा कुरान का फरमान भी, भूखे प्यासों की मदद को आए हर एक आदमी, खुद से पहले सब अगर सोचे पड़ोसी का भला, सब अगर इस पर अमल कर ले तो काला है मेरा, मुफलिसों के सर से अंग्रेज बेबसी छट जाएगा, पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। बहुत लोग जनाबी जोहर कानपुरी।